मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 8 उसका 3 से लेकर 8वें वचन तक हम पढ़ें। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सूदी ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हमने इस भजन संहिता के पहले दो वचनों में देखा था कैसे भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर की महिमा को देखते हुए जो सृष्टि में प्रकट है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। परमेश्वर की महानता को समझते हुए वो अब परमेश्वर से बात कर रहा है जैसे एक बच्चा अपने बाप से बात करता है। स्वर्गीय पिता के हृदय के वो जो प्रेम के गहराई को वो समझ नहीं पा रहा है जिस प्रेम से परमेश्वर ने हम मनुष्यों को प्रेम किया है। ये एक व्यक्ति के आत्मिक उन्नति का सही उदाहरण है। जब वो परमेश्वर की महानता को समझता है तो वो अपने आप को नम्र करता है। भजन संहिता लिखने वाला लालच से भरे हुए हृदय से परमेश्वर से ये नहीं कह रहा कि मुझे और आशीष चाहिए, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम और करुणा को सृष्टि में देखा है। परमेश्वर की महानता को जब वो देख रहा है वो ये आभास करता है कि वो अयोग्य है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को समझता है जो प्रकृति में प्रकट है, वो काफी है एक व्यक्ति को परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करने के लिए एक नम्र दिल के साथ। हम जितना सृष्टि को निहारते हैं उतना हमें एहसास होता है कि हम अयोग्य हैं। हम अपने पापमय स्वभाव के विषय में हम शर्मिंदे होते हैं। परमेश्वर ने कितने बड़े उद्देश्य से हमें बनाया और हम कहां। कई बार मनुष्य ये संसार में जो भी बुराई होती है उसका दोष परमेश्वर के ऊपर डालता है और फिर दुखी हो जाता है, यही सोचकर रोने लगता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन साफ साफ दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बाकी सारी सृष्टि से हटकर बनाया, अपने ही स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे ही बनाया है। उसका मतलब हमारे शरीर में दूतों के शरीर की तुलना में कुछ सीमाएं हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा का महिमा पहनाया है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और प्रेमी होने के कारण मनुष्य को आदर भी दिया है। परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य के प्रति परमेश्वर का वो भरोसे को हम वचन में देखते हैं। इधर साफ साफ लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इस वचन के गहराई को जरा देखें। हम इसमें देखते हैं तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हम में से कईयों के घरों में हम जानवरों को पालते हैं, हम उनका देखभाल करते हैं पूरे प्रेम के साथ। बेशक हमने उनकी सृष्टि नहीं की, फिर भी हमारे अंदर उनके लिए प्यार है। और अगर हमें कहीं जाना हो तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उनके हाथ में जमवारी सौंपेंगे जो इन्हें प्यार करता है।
जो उनका देखभाल करने के लायक है। अगर हम अपने पालतू जानवरों के विषय में इतनी सोचते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता भी आदम और हव्वा के विषय में कितना सोचकर उनके हाथ में जमवारी दिया था कि वो सृष्टि पर प्रभुता करें। परमेश्वर ने मनुष्य को कोई समय नहीं दिया कि वो अपने वफादारी को प्रमाणित करे और फिर अधिकार दे। अगर ऐसा परमेश्वर करता तो हमें कभी भी कोई जमवारी नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य ने युगों में यही प्रमाण दिया है कि वो उसने पाप को स्वीकार किया है, अपने पिता के प्रेम को तिरस्कार किया है। परमेश्वर के काम को हम आकाश में देखते हैं, तारागण है, चांद है, वो कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते जो प्रभु ने उनके लिए तय किया है। वो चुपचाप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा करें। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हम घास की टिड्डी के समान हैं। यह भाप की तरह है जो थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, लेकिन हम हमेशा अपनी सृष्टिकर्ता का विरोध करते हैं, बलवा करते हैं। इधर भजन संहिता में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको उसकी स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम जब परमेश्वर के प्रेम के गहराई को देखते हैं जिससे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, जरा देखें हमारे लिए, मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता खोल कर दिया ताकि हमारा परमेश्वर से मेल हो जाए। और जब इस बात को हम समझते हैं तो अपने आप हमारे होंठों से यही वचन निकलते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया, क्या उसके प्रति हम आभारी हैं? भजन संहिता लिखने वाले ने परमेश्वर का वो प्रेम जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर प्रकट किया उसको देखा नहीं है कि कैसे हमारे लिए कीमत दिया। वो कभी भी सोच नहीं सकते हैं कि परम अधिकारी परमेश्वर अपने आप को पापियों के लिए दे देगा। लेकिन सृष्टि को देखकर उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा और परमेश्वर की महिमा की। क्या हम अपने आप को कहने के लिए लायक भी हैं कि हम नए नियम के विश्वासी हैं? बार बार हमने यही सबूत दिया है अपने बातों और कामों के द्वारा कि हम लायक नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें प्रेम किया, हमें कीमती समझा, इसलिए सब्र के साथ हमें बार बार मौका देता है ताकि हम उस सिद्धता तक बढ़ें। अगर परमेश्वर ने आदम को इतना अधिकार और इतना जमवारी सौंपा था, आदम विश्वासघाती निकला, तो जरा सोचे अनंत काल हमारा पिता के साथ कैसे होगा। जो संतों ने आखिरी श्वास तक परमेश्वर की आज्ञा मानी, स्वर्ग कैसा होगा? प्यारे भाई, प्यारे बहन, परमेश्वर ने हमें जिस ऊंचे बुलाहट से बुलाया है, क्या आप उसको उसकी गंभीरता को समझते हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम पर भरोसा किया जा सकता है, या क्या हम आज भी अपने पिता के लिए दुख का कारण हैं? आइए हम विश्वास योग्य बने, अपने प्रभु के प्रति भरोसेमंद बने जिसने हमें इतना प्यार किया। प्रभु हम एक एक को मदद करे कि हम प्रभु के प्यार को समझें और उसकी महिमा के लिए जिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद पिता। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। इस सुबह के समय हम स्वीकारते हैं कि हम विश्वास योग्य नहीं, हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, फिर भी आपने हम पर अनुग्रह की बहुतायत की। प्रभु, जब आपका आगमन नजदीक है इन दिनों में, वफादारी से आपको प्यार करते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए अपने बुलाहट के उस गरिमा को समझते हुए विश्वास योग्य पात्र बनने के लिए हमें सहायता करें। हमारा जीवन देकर स्वर्ग
प्रसन्न हो सके। आपने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथ।